नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहुत बड़ी आयुष न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं। तो जैसा कि आपको पता है, बहुत दिन से एक जो विषय था, एक सब्जेक्ट था, वो बहुत दिन से चर्चा में था। ये सब्जेक्ट क्या था कि जो WHO का जो ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होने जा रहा था। अब ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये भारत सरकार की तरफ से भी कन्फर्म हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो है WHO GCTM, विल प्रोवाइड लीडरशिप फॉर रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डाटा एनालिटिक्स। तो ये जो WHO है, ये क्या करेगा, ये लीडरशिप प्रोवाइड करेगा रिसर्च के अंदर, एजुकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर और डाटा और एनालिटिक्स के अंदर। इट विल बी द सेंटर ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज। तो ये सेंटर बनेगा इनोवेशन का, टेक्नोलॉजी का, और जो हमारी डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करेगा। फिर उसके बाद में WHO GCTM विल बी द सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस। ये सेंटर रहेगा ग्लोबल वेलनेस का, रिसर्च का और ट्रेनिंग का और अवेयरनेस का। किनका? ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि आपको पता है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, सौरिक्पा, ये सारी क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं यहाँ पर। तो इन सब का ये जो ग्लोबल सेंटर है, ये इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश होने वाला है। और इंडिया के अंदर भी अगर मैं मेनली बात करूँ, तो ये जामनगर के अंदर एस्टैब्लिशमेंट होने वाला है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो, आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से भी यहाँ पर एक पोस्ट आया है इसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट एवर WHO ग्लोबल सेंटर इन इंडिया फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इज ए लैंडमार्क अचीवमेंट इन सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज अ ग्लोबल एडवोकेसी फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम इन हेल्थ पॉलिसी ऑफ मेंबर स्टेट्स ऑफ WHO। इट विल ऑल्सो मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन इन इंटरनेशनल डेलिब्रेशन एंड इनिशिएटिव इन हेल्थ सेक्टर टू मेक देम इंक्लूसिव ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इंक्लूडिंग डाटा रिसर्च एंड एविडेंस। तो मैंने जो पहले बात करी, वही सारी बातें की गई है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये जामनगर के अंदर होगा, और ये किसके अंदर में होगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में होगा। और ये एकमात्र ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का पूरे ग्लोब के अंदर। फिर इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, इसके बेनिफिट्स टू पोजिशन आयुष सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब। जो आयुष सिस्टम है, उसको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा पूरी दुनिया के अंदर। फिर उसके बाद में टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पेरिटेटिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन, टू इंश्योर द क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, एसेबिलिटी एंड रेशनल यूज ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। उसकी जो क्वालिटी होगी, सेफ्टी होगी, और ये सारी चीज़ें होंगी ट्रेडिशनल मेडिसिन की, वो ये इंश्योर करेगा। फिर इसके बाद में टू डेवलप नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस इन द रेविलेंट टेक्निकल एरियाज, टूल्स एंड मेथोडोलॉजीज फॉर द कलेक्टिंग डाटा, अंडरटेकिंग एनालिटिक्स एंड एसिस इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें कौन करेगा, WHO करेगा। जो डाटा वगैरह होगा, वर्चुअल लाइब्रेरीज होगी, एकेडमिक होगा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन होगा, जितनी भी चीज़ें होंगी आयुष से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें WHO का जो एक ग्लोबल वाला ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो ये सेंटर है पूरे ग्लोब के अंदर एकमात्र, वो ये सारी चीज़ें हैंडल करेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है, टू डेवलप स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन द एरिया ऑफ रेविलेंस टू द ऑब्जेक्टिव एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन कैंपस, रेजिडेंशियल और वेब बेस्ड थ्रू पार्टनरशिप विद द WHO एकेडमिक एंड अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। फिर उसके बाद में डॉक्टर टेड्रोस, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ WHO GCTM इन इंडिया ऑन द ओकेशन ऑफ 5th आयुर्वेदा डे ऑन 13 नवंबर 2020। तो इसकी घोषणा तो पहले ही हो गई थी डॉक्टर टेड्रोस के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के, और ये घोषणा कब हुई थी, 5th आयुर्वेदा डे पर 13 नवंबर 2020 के अंदर, इन द ऑग्नेस प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्रेज्ड द इनिशिएटिव ऑफ WHO एंड मेंशन्ड दैट द WHO GCTM वुड इमर्ज एज अ सेंटर ऑफ ग्लोबल वेलनेस ब्लोस्टर एविडेंस। तो यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने भी इस चीज़ की तारीफ करी और इस चीज़ को बूस्टअप किया कि ये जो WHO का GCTM होगा इंडिया के अंदर, ये बूस्ट करेगा आयुष को पूरे ग्लोबली तरीके से।
तो गाइस यही थी आयुष अपडेट, एक बहुत बड़ी। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और गाइस अगर आप इस तरीके की वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करूँगा।